प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं सभी? हाउ यू ऑल? अच्छा, तो आज हम यहाँ पर विषय हिंदी व्याकरण भाग संज्ञा के बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। विषय हिंदी व्याकरण भाग संज्ञा के बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चा, ओके? आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा या फिर संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत यानी कि संज्ञा के अंतर्गत वस्तुएं आते हैं, व्यक्तियों के नाम आते हैं, प्राणियों के नाम आते हैं, स्थानों के नाम आते हैं तथा मन में प्रकट होने वाले भावों को क्या करना चाहिए, सॉरी, मन में जो भी भाव हैं उसे प्रकट करने को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में दिए गए हैं, जैसे कि रमेश, दिल्ली, घोड़ा, मेज, सुख, दुख आदि। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए और एक उदाहरण दिया गया है आपको। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और भारत को यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों? अंडरलाइन किया गया है। दिल्ली और भारत को यहाँ क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। वे किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी क्या है सब बच्चों? संज्ञा कहलाते हैं। तो वस्तुओं के नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे रमेश और क्या है ये, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, संजना, वेणु, गोपाल, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। वे सभी क्या हैं बच्चों? व्यक्तियों के नाम हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट प्राणी। प्राणी यानी के यहाँ पर बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणियों के अंतर्गत आते हैं जो संज्ञा कहलाते हैं। और स्थान। स्थान तो अभी मैंने बताया कि आपको दिल्ली, भारत, ये सभी क्या हैं बच्चों? स्थानों के नाम हैं जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाव, अगर अपने मन में खुशी हो, दुख हो, उसे हम प्रकट करने के लिए क्या होता है? भावों की ज़रूरत होती है। वे किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा की परिभाषा है बच्चों, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी पशुओं के नाम आते हैं, पक्षियों के नाम आते हैं, त्योहारों के नाम आते हैं, धर्म के नाम आते हैं, दिनों के नाम आते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद मुख्यतः पांच भेद माने जाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः पांच भेद माने जाते हैं, जैसे कि देखिए वहाँ पर नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समुदायवाचक संज्ञा या फिर उसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समझ में आ गया ना बच्चों, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्यतः पांच भेद माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, समझ में आ गया? तो एक एक करके हम उदाहरण सहित इन्हें जानने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे देखिए ध्यान से। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
नंबर वन पर क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण में देखिए वहाँ पर रमेश, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम, दिल्ली, लाल किला आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए वहाँ पर उदाहरण में ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल क्या है बच्चों? वस्तु है। आगरा क्या है? यह एक स्थान है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ताजमहल और आगरा किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी के व्यक्तियों के सभी नाम, जैसे कि यहाँ पर भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर स्थान, स्थान कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कि यहाँ पर कावेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वस्तु, वस्तुएं क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर ताजमहल, गीतांजलि, लाल किला, ये जो सभी हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर वस्तुएं, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, ये जो सभी हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और एक बार मैं रिपीट करती हूँ, देखिए बच्चों ध्यान से। जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल और आगरा किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर टू, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या फिर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? देखिए ध्यान से, जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों वहाँ पर मोर, पक्षी, पुस्तक, कुर्सी, शहर, नदी आदि, और भी बहुत सारे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम यहाँ पर मोर, पक्षी, पुस्तक, कुर्सी, शहर, नदी आदि, तो समझ में आ गए ना बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक उदाहरण वहां पर दिया गया है, देखिए बच्चों वहां पर क्या है, कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता और जानवर को वहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, वे किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता और जानवर जो हैं वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु, वस्तु यानी के जैसे के पुस्तक, हवाई जहाज, कुर्सी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं जो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट प्राणी, प्राणी यानी के यहाँ पर प्राणी ये सभी जैसे के मोर, पक्षी, आदमी, छात,
ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणियों के अंतर्गत आते हैं जो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट स्थान, स्थान यानी के यहाँ पर शहर के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं और रेगिस्तान, विद्यालय, ये जो सभी हैं स्थानों के अंतर्गत आते हैं जो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो समझ में आ गया ना बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा है, संज्ञा का रिवीजन जो है आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि भावों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि भावों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी के भावों को प्रकट करना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देखेंगे, बुद्धिमानी, मूर्खता, बचपन, बुढ़ापा, परोपकार, खटास, मिठास आदि। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों? जैसे कि बुद्धिमानी, मूर्खता, बचपन, बुढ़ापा, परोपकार, खटास, मिठास आदि, ऐसे भी भाववाचक। यानी कि जब भी आपको अच्छा लगे, मीठा लगे, तो आप क्या कहते हैं? आप सभी कितना मीठा है या मिठास है इसमें, कहते हो ना। तो अपने भावों को प्रकट करने के लिए हमें भाववाचक संज्ञा की आवश्यकता होती हैं। देखिए वहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम क्या करेंगे, वाक्य में इसका प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, तो प्रेम अंडरलाइन किया गया है। प्रेम क्या है बच्चों? ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रेम को प्रकट करना, सबसे प्रेम करो, तो प्रेम क्या है? ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। प्रेम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है कि भाववाचक संज्ञा अन्य के भावनाओं को प्रकट करना, अपने भावों को प्रकट करना। जैसे कि भाव के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे परोपकार, दयालुता, अहिंसा, प्रेम, शांति, ये सभी क्या हैं? भावों को प्रकट करने वाले शब्द हैं, भावों को प्रकट करने वाले शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण दोष, गुण दोष यानी के ये, जैसे कि यहाँ पर बुद्धिमानी, मूर्खता, चतुराई, ये सभी गुण दोष यानी कि मनुष्य के गुण दोष को बताते हैं या भाव को प्रकट करते हैं जो क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अवस्था, अवस्था यानी के जैसे कि हमें बुढ़ापा आता है, बचपन आता है, यौवन, शैशवावस्था, ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अवस्था यानी के जैसे हम बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैशव जो हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। स्वाद, जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पर कहा कि खटास, मिठास, ये सभी क्या हैं? स्वाद को, टेस्ट को बताते हैं, टेस्ट के भाव को बताते हैं, स्वाद के भाव को बताते हैं। खटास, मिठास, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गए ना, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि भावों का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 पर क्या है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं?
समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और एक नाम क्या है बच्चों, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समुदाय, इसका अर्थ क्या है बच्चों? शब्द को हम सुनते ही पता चलता है कि समुदाय का अर्थ होता है ग्रुप, समुदाय का अर्थ या फिर समूह का अर्थ होता है ग्रुप। तो यहाँ पर समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सेना, दल, झुंड, कक्षा, भीड़ आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेना का क्या है? ग्रुप। दल का ग्रुप, झुंड यानी के झुंड ग्रुप, कक्षा जहाँ पर एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं, भीड़, ये भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो समूह का अर्थ क्या होता है बच्चों? समूह का अर्थ है ग्रुप। समझ में आ गया? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर द्रव्य का शब्द सुनते ही पता लगता है कि ये क्या है? लिक्विड। द्रव्य यानी के लिक्विड कहा जाता है अंग्रेजी में से। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? देखिए वहाँ पर, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर, घी, तेल, दूध, सोना आदि, तो ऐसे भी किसके अंतर्गत आते हैं? ऐसे भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। घी क्या है? द्रव्यवाचक है। तेल भी क्या है? द्रव्यवाचक है। दूध भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। सोना, सोगना, सोना क्या है? उसे पिघलाकर ऑर्नामेंट्स किया जाता है, वे भी ये क्या है? धातु है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ओके, समझ में आ गए ना बच्चों? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, समझ में आ गए ना बच्चों? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और उनके आने वाले उदाहरण के द्वारा आपको मैं यहाँ पर आज के इस क्लास में समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इस रिवीजन भाग को लिखना है और बार बार पढ़ना है। ओके, तो आज का यह क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।